एंटर सब मिलेगा zoomtv.in। वेलकम बैक टू प्लैनेट बॉलीवुड। शुरुआत करते हैं टेलीविजन पर जमकर हो रहे खट्टा मीठा के प्रमोशन से। अक्षय कुमार इन दिनों फिल्म के प्रमोशन के लिए जगह जगह गड्ढे भरने में लगे हैं, और इन्हीं गड्ढों के साथ कैसे कर रहे हैं वो फिर से अपनी तिजोरी भरने की तैयारी, बताएंगे आज की कवर स्टोरी में। ओके, जोर से बोलिए जय माता दी। ठीक है, लेकिन मैं खट्टा मीठा की बात राइट। ये खट्टा मीठा का प्रमोशन ही है जो अक्षय कुमार को ले आया है छोटे पर्दे पर। वहाँ की तो जितना माल खाना था खा लिया। प्रियदर्शन के लिए खट्टा मीठा में हेरा फेरी कर रहे सचिन तिचकुले से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। खट्टा मीठा में वो रोड कॉन्ट्रैक्टर बने हैं तो माल अंदर करेंगे ही। वहाँ की तो जितना माल खाना था खा लिया। बड़े पर्दे पर माल अंदर किया और अब बारी है छोटे पर्दे की। कोशिश तो अक्की यही कर रहे हैं कि इस फिल्म से उनकी तिजोरी पूरी भर जाए। भ्रष्टाचार के अंदर थोड़ी घुसा हूं मैं। पर अगर आप सोच रहे हैं कि स्टार अपने बुरे दिन आने पर ही टेलीविजन का रुख करता है तो सुन लीजिए अक्की का ये जवाब। नहीं, ऐसे बात है। बुरे दिन आने वाले समय पर मैं स्टार के लिए एक रियलिटी शो कर मास्टर इंडिया शेफ के ऊपर है, जहाँ मास्टर शेफ इंडिया मास्टर इंडिया शेफ तो उसके ऊपर आधारित पर है ये खाना बनाने पे। Who's going to be the master chef India? सुना आपने, बुरे दिन आए अकी के दुश्मनों के, क्योंकि अकी खुद भी मानते हैं कि छोटा पर्दा भी कोई कम दमखम नहीं रखता। जी देखिए, टीवी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मुझे लगता है फिल्मों से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इनकी जितनी अहमियत है वो मुझसे ज्यादा है, मैं समझता हूँ हमारे फिल्म लाइन से ज्यादा है, क्योंकि जो जितने लोग इनको देखते हैं वो हमें नहीं देखते। वैसे भी छोटा पर्दा अक्षय को काफी रास आ रहा है, और तो और जब अक्षय ससुराल गेंदा फूल के सेट पर पहुंचे तो उन्होंने खुलकर ये भी बता दिया कि टेलीविजन इंडस्ट्री की कुछ बातें अक्षय को बॉलीवुड के मुकाबले ज्यादा अच्छी लगती हैं। मैंने जिस हिसाब से इन लोगों को देखा है, आपस में मिलजुल के काम करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, जो कि हमारी इंडस्ट्री में बहुत कम रहता है। तो अक्षय की जुबान पर आ ही गया है वो दर्द जो उन्होंने बॉलीवुड का पार्ट रहते हुए झेला है, कि कितना मुश्किल है बॉलीवुड में सबसे निभा कर चलना। जी पिछले साल इस रास्ते पर 15 गड्ढे थे, 7 बड़े और 8 छोटे। जब तक मैं उन 7 बड़े गड्ढों की मरम्मत करूं, वो जो 8 छोटे वाले गड्ढे थे वो अब बड़े हो गए। अब मैं उन 7 गड्ढों को रिपेयर करने वाला था कि मुझे पता चला कि यहाँ से दाहिनी ओर पर 5 नए गड्ढे और पैदा हो गए। उनको कुल मिला के अगर आप टोटल करेंगे तो 7, 8, 9, 10, 11, 12। बॉलीवुड में रहते हुए अक्की ने जब तक शाहरुख से मिलकर उनसे अपने रिश्तों की खटास का गड्ढा भरा, तब तक फराह खान की फिल्म 30 मार खां साइन करते ही एक नया गड्ढा हो गया, और जब तक अक्की इसे भरेंगे तब तक शायद पैदा हो जाएगा कोई और नया गड्ढा। शायद इसी बात के गम में अक्षय के मुंह से निकल गया है वो सच जिसे अक्षय ने अब तक किसी से नहीं कहा। पर खट्टा मीठा को इस सीरियल में प्रमोट करने पहुंचे अक्की के मुंह से ये सच निकल ही गया। मैंने जिस हिसाब से इन लोगों को देखा है, आपस में मिलजुल के काम करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, जो कि हमारी इंडस्ट्री में बहुत कम रहता है। कुछ इस तरह अक्षय कुमार ने ससुराल गेंदा फूल के सेट पर कुछ खट्टी तो कुछ मीठी बातें की, हुआ जमकर खट्टा मीठा का प्रमोशन। और सचिन तिचकुले ने सबको ये भी बता दिया कि वो अपनी तिजोरी भरने के लिए कहीं भी जा सकते हैं। ब्रांड एम्बेसडर तो कनाडा में भी मुंबई जैसी रोड है या वहाँ अच्छा है? नहीं, वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ अच्छी रोड है। उसके बारे में मुझे नहीं पता कि भ्रष्टाचार है या नहीं। ये आप अपना कैमरा लें और जाएं और पता करें, आप मीडिया। मुझे नहीं पता जनाब। फॉर आरती दानी, जूम, मुंबई।